बेसन चीला तो आप सभी लोग बनाकर खाए हो, एक बार पनीर बेसन चीला बनाकर तो खाइए, ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं, खाने में एकदम टेस्टी है। तो पनीर बेसन चीला बनाने के लिए हमने ले लिए है, बेसन लिए है, पनीर लिए है, दही लिए है, सूजी लिए है, ये सूजी लिए है, और वेजिटेबल भी लगेगा, वेजिटेबल में लिए है एक शिमला मिर्च लिए है, कॉर्न लिए है, कच्चा पक्का मिर्ची हमने कटिंग करके लिए है, ऑनियन लिए है, और गाजर लिए है, टमाटर लिए है, और सूखे मसाला में लगेगा मिर्ची पाउडर और जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर लगेगा। तो चलिए पूरा वीडियो में हम देख लेते हैं पनीर बेसन चीला हम कैसा बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गुरु होममेड फूड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, अच्छे से रहिए। तो आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में एकदम इजी है और खाने में एकदम टेस्टी है। तो आप सभी लोग को बेसन चीला खाए हो, एक बार पनीर बेसन चीला बना के खाइए, ये बहुत ही बढ़िया लगते है और बनाने में तो एकदम ईजी है। तो चलिए पनीर बेसन चीला बनाने के लिए हमने जो जो उपकरण ले लिए है वो हम दिखा देते हैं एक एक करके। तो सामने ही तो है, ये है बेसन लिए है, बेसन हमने 200 ग्राम ले लिए है, सूजी भी हमने 200 ग्राम लिए है, आप बराबर मात्रा में लीजिएगा, और दही लिए है 3 टेबलस्पून हमने दही ले लिए है, और पनीर लिए है, पनीर हमने 100 ग्राम लिए है, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आपका क्वांटिटी जैसा मेंबर है वो हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये सारे चीज़ हम हटा देते हैं और इसमें लगेगा थोड़ा वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में भी हमने क्या क्या लिए है वो भी हम बता देते हैं। इस एक शिमला मिर्च को हमने ऐसा चौकन करके कटिंग करके ले लिए है, और ये कॉर्न लिए है, आप देखिए स्वीट कॉर्न भी डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगते हैं, और ये कच्चा पक्का मिर्ची हमने कटिंग करके ले लिए है, आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, और ऑनियन को भी हमने ऐसा गोल करके कटिंग करके ले लिए है, जैसा देखिए चौकन करके कटिंग करके लिए है, गाजर भी लिए है कटिंग करके, टमाटर लिए कटिंग करके, और सूखे मसाला में लगेगा मिर्ची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, बस इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, बेसन और सूजी दही को हम मिला लेते हैं। तो मिलाने के लिए एक बाउल हम ले लेते हैं, एक बड़ा सा हमने बाउल ले लिए है, तो इसमें हम बेसन डाल देते हैं, और इसमें जाएगा सूजी, ये भी हम डाल दिए हैं, और जाएगा इसमें दही, ये हम दही डाल दिए हैं, और इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो थोड़ा सा हम दही का बाटी में पानी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें दही है, पानी तो हमें लगेगा ही लगेगा, तो दही को हम पानी के साथ में थोड़ा सा घोल के ले लेते हैं, और इसमें हम पहले डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो इसमें डाल दिए है स्वाद अनुसार नमक, ये हम डाल दिए हैं, और इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून जैसा हल्दी पाउडर, कलर एकदम बढ़िया आएगा, ये हम डाल दिए हैं। अभी सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं अच्छी तरह, ये सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं, और इसी में हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। पहले हम ये दही का जो पानी है ये हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और मिलाते जाएंगे इसी तरह, एक बैटर बना लेते हैं। तो ऊपर थोड़ा सा तीखा हम डाल देते हैं बैटर में, थोड़ा सा तीखा भी लगेगा तो अच्छा लगेगा, आप बच्चे लोग खा रहे तो उनके लिए आप ऐसी मिर्ची पाउडर मत डालिएगा, बड़े खा रहे हो तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, डाल के ये हम मिला देते हैं अच्छी तरह। इसमें क्या होएगा, कलर भी अच्छा आ जाएगा और खाने में भी टेस्ट लगेगा, थोड़ा सा तीखा तीखा लगेगा तो अच्छा लगेगा, मतलब स्पाइसी आप खाना चाहते हो तो थोड़ा डालिए, या तो आप मत डालिए। तो बैटर को हम अच्छी तरह लगा देते हैं, तो बैटर देखिए इसी तरह ठीक बनेगा, ज़्यादा ना मोटा बनेगा, ज़्यादा ना पतला बनेगा, इसी तरह बनेगा, जैसा आप डोसा का बैटर बनाते हो उसी तरह का बैटर बनाना चाहिए, देखिए इसी तरह बैटर बनाना चाहिए। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो ये हम साइड करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए, टाइम है तो रखिए, या तो आप ऐसा भी बना सकते हो। तो ये हम साइड कर देते हैं, और ये जो हमने वेजिटेबल लिए हैं, तो सारे वेजिटेबल को हमें क्या करना है, सारे वेजिटेबल को हम एक इकट्ठा कर लेते हैं, तो सारे वेजिटेबल को हम एक इकट्ठा कर लेते हैं इसी तरह, देखिए सारे वेजिटेबल हमने एक इकट्ठा कर लिए हैं, और इसमें जाएगा ये भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून जैसा हमने लिए है, छोटा चम्मच का एक चम्मच लिए है,
जीरा पाउडर डाल देते हैं और इसमें जाएगा रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर हमने लिए हैं, ये हम हाफ टेबल स्पून डाल देते हैं रेड चिल्ली पाउडर, ये हम डाल दिए हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं स्पाइसी, आप जैसा खाना पसंद करोगे वो हिसाब से डाल सकते हो। अभी हम इसमें डाल देते हैं ये जो हम पनीर बना के रखे, ये हमने घर में ही बनाया है पनीर, आप देख सकते हो, यही पनीर को हम मैश करके इसके अंदर डाल देते हैं, पनीर को हम मैश कर देते हैं अच्छी तरह। ये बहुत ही बढ़िया चिल्ला बनते हैं इसी तरह, आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। और इसमें हम ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक, ये नमक हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार, नमक डाल दिए हैं। अभी सारे चीजों को हम मिला देते हैं अच्छी तरह, हाथों के मदद से इसी तरह मिलाना चाहिए, आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो, चाहे तो हाथ से भी इसी तरह मिक्स कर सकते हो। देखिए कलर कितना बढ़िया लग रहा है, कलरफुल एकदम, खाने में उतना ही टेस्टी है। और इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डालते हैं, तो ये आप देख सकते हो ये चाट मसाला लिए हैं, ये भी हम ऐड कर देते हैं, देख के हम सारी चीजें अच्छी तरह मिला देते हैं। और थोड़ा सा नमक जाएगा, हमने टेस्ट किए थे, थोड़ा सा नमक हमें चाहिए, थोड़ा सा नमक भी हम ऐड कर दिए हैं। देखिए इसी तरह पूरा मिश्रण बनाइएगा, मतलब मिक्स कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। देखिए ये सारे चीजें मिक्स करके ले लिए हैं, तो चलिए अभी चिल्ला बनाते हैं। तो डोसा का तवा हमने बिठा दिए हैं और थोड़ी सी ऑयल भी डाल दी है, ऑयल डाल के हम अच्छी तरह लगा दिए हैं चारों बाजू। अभी इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं, एक बार गर्म होने के बाद तवा को थोड़ा सा ठंडा करके लीजिएगा अच्छी तरह। तो एक चम्मच हम डाल दिए हैं, डाल के डोसा के जैसा फैला देते हैं इसी तरह। अब ये थोड़ा सा पकने देते हैं अच्छी तरह और साइड साइड में हम थोड़ा सा तेल छोड़ देते हैं इसी तरह। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा इसी तरह साइड छुड़ा देते हैं, देखिए छूट गया है। अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हम डाल देंगे टॉपिंग जो हम बनाया है, ये हम डाल देते हैं चिल्ला के अंदर। तो ये हम डाल दिए हैं, अभी हम क्या करेंगे इसे ऐसा रोल जैसा हम बनाएंगे इसी तरह। इसी तरह रोल जैसा हम बना लेते हैं, तो रोल जैसा बनाया है और इसे हम इसी तरह कटिंग भी कर दिए हैं, आप देख सकते हो इसी तरह कटिंग करना है। ये देखिए इसका ए साइड का भी पार्ट देखिए कितना बढ़िया लगते हैं, देखने में जितना बढ़िया है खाने में उतना ही टेस्टी है, देखिए कितना बढ़िया है। तो देखिए ये हम निकाल के ले लेते हैं और इसी तरह सेम प्रोसेस में और भी हम बना लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ज़्यादा तेल लगाएगा मत, ज़्यादा लगाओगे तो डोसा जैसा ये अच्छी तरह गोल नहीं बनेगा। और इसे थोड़ा सा हम ऐसा पोंछ देते हैं, उसके बाद हम बैटर को सेम प्रोसेस में उसी तरह हम लगा देते हैं इसी तरह, और इसी तरह गोल गोल खिलाते रहिए। देखिए ये हम डाल दिए हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर तेल डाल लेते हैं इसी तरह। तेल डालने से एकदम अंदर तक पकेगा अच्छी तरह, और छोड़ देते हैं आधा मिनट के लिए। तो थोड़ा टाइम ऐसा रखने का, ऊपर से तेल डालने का, देखिए एकदम अपने आप छूट जाते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से छूट गया है। अभी हम इसमें वही सेम प्रोसेस में टॉपिंग डाल देते हैं इसी तरह। बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगते हैं, आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा।
अच्छी तरह। और इसे भी इसी तरह आप पैक कर दीजिएगा एकदम अच्छी तरह और ऐसा फोल्ड कर दीजिएगा। तो सेम प्रोसेस में हम बीच में ऐसा कटिंग कर देते हैं अच्छी तरह। देखिए कटिंग कर दी है बीच में अच्छी तरह। देखिए कितना बढ़िया बना है आप देख सकते हो। देखिए तो चलिए इसी तरह पूरा बना लेते हैं फिर प्लेटिंग करके मिलते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो बेसन पनीर चीला हमारा एकदम रेडी हो गया है। देखिए देखने में जितना बढ़िया है खाने में उतना ही टेस्टी है। और ये आप सॉस के साथ भी ऐसा ही एंजॉय कर सकते हो, ऐसा भी खा सकते हो, कैसा भी आप खाइए बनाइए। देखिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार आप लोग बनाइए खाइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हो हमारे चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए। आप सभी लोग आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया।